नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, वेट कूनल कंपनी का एक दवा आता है जिस दवा का नाम है स्पास्मोवेट, जो कि इस तरह से होता है स्पास्मोवेट, जिसका जो साल्ट है डाइक्लोसामिन। यह कंपोजिशन का, इस साल्ट का इंजेक्शन पशु को कौन कौन सी परेशानी में दिया जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे और इसका कितना डोज है वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किसान भाई, बात करते हैं कि यह जो स्पास्मोवेट इंजेक्शन है इसका यूज कहाँ कहाँ पर करना है, पशु को कौन कौन सी परेशानी में दिया जाना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जहाँ पर पशु को पेट में दर्द है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि पशु बेचैन है, उठ रही है, बैठ रही है और साथ साथ बैठ करके अपने पेट पर वह लात मार रही है, तो इस कंडीशन में अगर यह स्पास्मोवेट इंजेक्शन पशु को देते हैं तो उसका जो बेचैनी है वह बेचैनी कम हो जाएगी, साथ साथ पेट दर्द भी कम हो जाएगी। चलिए किसान भाइयों, आगे बताते हैं इसका क्या काम है। जहाँ पर पशु को डायरिया हो गया है, डायरिया कहने का मतलब पतला पैखाना कर रही है, और वह पतला पैखाना करने के साथ साथ पशु को ममोर होती है, ममोर देकर के पैखाना करती है, कहने का मतलब यह है कि ममोर के साथ पेट में दर्द भी होती है, तो आप यह स्पास्मोवेट इंजेक्शन पशु को देते हैं तो वह जो पेट में ममोर है वह आराम हो जाएगी। उसके अलावा किसान भाइयों, पशु के अगर आंत में किसी तरह का परेशानी है, आंत में सूजन हो गया है, और वह आंत में सूजन होने के वजह से भी अगर पशु के पेट में दर्द है तो यह स्पास्मोवेट पशु को आप देते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा किसान भाइयों, पशु को अगर आप बच्चा फंसा हुआ है और बच्चा निकालते हैं, जो बच्चा देने के वक्त जो बच्चा सही ढंग से पशु नहीं दे पाती है और वहाँ पर हम जो बच्चा निकालते हैं तो उसको बच्चदानी संबंधित जो दर्द होती है, बच्चदानी में दर्द हो जाती है, तो वहाँ पर भी यह स्पास्मोवेट इंजेक्शन पशु को देते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा किसान भाइयों, पशु को पेट में ऐंठन हो गया है या फिर पशु जो है कोई ऐसा पदार्थ खा ली है, कुछ ऐसा चीज़ खा ली है जिसके वजह जिससे पशु के पेट में जो वह जो चीज़ है वह सही ढंग से पच नहीं पा रही है, उसका जो वह जो चीज़ खाई है, वह पदार्थ खाई है, उसका सही ढंग से इनडाइजेशन नहीं होगा, तो आप यह स्पास्मोवेट उस पशु को दे सकते हैं। होता क्या है कि पशु को जब हम खाना खिलाते हैं तो वह खाना जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेने के वजह से, या फिर वह खाना जो खाई है वह सही ढंग से नहीं पच पाई है, तो उसके वजह से भी पशु के पेट में दर्द होने लगती है, तो वहाँ पर भी यह इंजेक्शन पशु को लगाते हैं तो उसके जो पेट में दर्द है ज़्यादा खाना खा लेने के वजह से, या फिर जो हम पशु को खिलाए हैं वह सही ढंग से उसके पेट में एडजस्ट नहीं हो पाई है, सही ढंग से नहीं पच पाई है, तो वहाँ पर भी पशु को पेट में दर्द होने लगती है, तो उस तरह के पेट दर्द में भी यह स्पास्मोवेट आप अपने पशु को दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है किसान भाइयों कि पेट संबंधित कोई भी परेशानी अगर पशु को हो गया है तो उस परेशानी में आप यह स्पास्मोवेट पशु को लगा सकते हैं। अब चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि अब इसका डोज कितना है, कितना लगाना है। अगर 12 पशु है तो कितना देना है, अगर छोटा पशु है तो कितना देना है। अगर 12 पशु है, 4 कुंटल करीब आपका पशु है, तो उसको आप यह स्पास्मोवेट इंजेक्शन 30 ml लगा दीजिए, 15 ml गर्दन के इस भाग लगा दीजिए और 15 ml गर्दन के इस भाग लगा दीजिए। 12 पशु है, 4 कुंटल करीब है तब, अगर छोटा पशु लग रहा है, 2 कुंटल करीब लग रहा है, तो उसको आप यह इंजेक्शन 15 ml लगाइए, और उससे भी छोट पशु लग रहा है, 1 कुंटल करीब लग रहा है, तो उसको 7 से 8 ml लगाना है। किसान भाइयों, यह इंजेक्शन जो है पशु को जो जो परेशानी हम बताएं उस परेशानी में अगर देते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर
आपको रिजल्ट मिल जाएगा। किसान भाइयों, यह जो स्पास्मोवेट के बारे में आपको हम बताए हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। किसान भाइयों, यह स्पास्मोवेट जो है, एक बार डबल कर देते, स्पास्मोवेट वेट कुनल कंपनी का आता है। इसका जो साल्ट है डाइसाइक्लोमिन, यह डाइसाइक्लोमिन साल्ट का किसी भी कंपनी का जो दवा आप अपने पशु को देते हैं तो जो जो परेशानी बताए हैं वह परेशानी में बहुत बढ़िया काम करेगा। किसान भाइयों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा या खराब लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नमस्कार।